हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑब्वियस है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है सही हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई पार्टिकल जो है वो अब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का सिचुएशन। चलिए मान लेते हैं ये व्हीकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन है तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोइंग डाउन है, मतलब उसका स्पीड जो है घटते चला जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए दो केस मान लेते हैं। एक केस में मान लेते हैं कि बॉडी जो है पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी का जो साइन है वेलोसिटी का डायरेक्शन के चलते वो पॉजिटिव है। एक दूसरा सिचुएशन इस तरह मान लेते हैं, जब पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए क्लियर है इस डायरेक्शन में। अभी इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि आपका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन के लिए बात की जा रही है। दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग कैसे लेते हैं? अगर उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव लेते हैं, मतलब उसका पोजीशन बढ़ रहा है। अगर उसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब उसका पोजीशन अगर घट रहा है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं। वेलोसिटी का साइन ये आप इस चीज से ऑब्वियसली समझ सकते हैं, v इक्वल्स टू dx / dt। क्लियर है, पोजीशन अगर x बढ़ता चला जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। क्लियर है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में पोजीशन बढ़ता चला जा रहा है 1 meter, 2 meter, 3 meter लाइक दिस, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। अगर पोजीशन घटता चला जा रहा है, पोजीशन घटता चला जा रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इधर कहीं ओरिजिन है, ठीक है, पोजीशन घटता चला जा रहा है तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बात है। तो अब क्या है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अगर अपोजिट साइन है, मतलब पहले वाले केस में देखते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है तो एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप लोग आगे पढ़ेंगे या 9th-10th क्लास में पढ़ कर आए होंगे, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से इस पर कितना फोर्स लगेगा, F equals to ma, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि जब कोई बॉडी मान ले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, उसको इस तरफ खींचा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड घटता चला जाएगा। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है तो ये धीरे धीरे 9 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी स्पीड जो है घटता चला जाएगा। क्लियर बात है। तो मेरा बिल्कुल ये मेरा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। दूसरे वाले केस के लिए भी देख सकते हैं, अगर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन का है, तो मतलब एक्सेलरेशन का इस केस में अगर ऐसा डायरेक्शन है तो क्या इसका स्पीड घटेगा? अगेन घटेगा। एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन, पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब इसको इस तरफ से खींचा जा रहा है, मतलब कि ऑब्वियस है इसका स्पीड जो है अगेन धीरे धीरे घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो बिल्कुल सही ये मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके लिए एक और भी एग्जांपल आपको देते हैं, आप लोग याद कीजिए, जब किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है आप लोगों ने, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप जब प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस केस में जब ये अपवर्ड मोशन में होता है, जब ये ऊपर जा रहा होता है, उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव होता है। ऑब्वियस है ये पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है जो कि क्वेश्चन में है भी, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो साइन है अपोजिट है, तो इस केस में भी अपोजिट साइन है, इस केस में भी आप देखते हैं कि क्या होता है, इसका स्पीड जो है घटता चला जाता है, स्लोइंग डाउन, स्पीड घटते 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 और हाइएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाता है, हम लोगों को पता है, फिर उसका स्पीड बढ़ना शुरू होता है। क्लियर है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, तो ये पक्का बात है कि उसका स्पीड घटेगा, बॉडी जो है स्लोइंग डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल मेरा करेक्ट है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, इफ द पोजिशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर पोजिशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बात कर रहा था, यहाँ पे पोजिशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन है, तो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। चलिए अगेन इसमें भी देखते हैं,
बडी जो है स्ट्रेट लाइन पे आपको मूव कर रहा है, तो चलिए मान लेते हैं एक एक्सिस अगर ये लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन हुआ। दो केस इसमें पॉसिबिलिटी इसमें आ रहा है, दिस इज योर ओरिजिन। पोजीशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन, देखें अगर यहां पर कोई एक पोजीशन लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर, तो यहां पर क्या है पोजीशन का साइन पॉजिटिव है, पोजीशन का साइन पॉजिटिव है और बॉडी जो है मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो साइन है वो नेगेटिव है इस केस में, ठीक है, पोजीशन का साइन पॉजिटिव है, मतलब दोनों का अपोजिट साइन है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। चलिए इसका दूसरा केस यहाँ आप देखते हैं, मान लिया कि ये x इक्वल्स टू लेट दिस इज माइनस 7 मीटर पोजिशन, दिस इज टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, पोजिशन का साइन क्या है नेगेटिव है, और अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सो डैट क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या हो गया, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी का साइन हम लोग कैसे लेते हैं, उसका डायरेक्शन किस तरफ है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे। तो इस केस में वेलोसिटी का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन पोजिशन का साइन नेगेटिव है, मतलब दोनों का अपोजिट साइन है। और इस केस में भी आप नोटिस कीजिए बॉडी जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब दोनों ही केस में ये मेरा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। जब भी पोजीशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन होगा इसका मतलब पार्टिकल जो है ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते ऑप्शन नंबर सी, इफ द वेलोसिटी इज जीरो, इफ द वेलोसिटी इज जीरो, ऑप्शन नंबर सी अगर बात करें हम लोग, If the velocity is zero at an instant, किसी instant पे अगर velocity zero है, the acceleration should also be zero at that instant. तो उस instant पे acceleration भी zero होना चाहिए, clear है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है student. याद कीजिए अभी just example दिए आपका पहले वाले option में, कि जब किसी body को vertically upward direction में हम लोग project करते हैं, तो क्या होता है? धीरे-धीरे इसका speed घटते चला जाता है, और highest point पर, highest point पे क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, फॉर एन इंस्टेंट एक क्षण के लिए उसका स्पीड जीरो होता है, स्पीड जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन तब भी लग रहा होता है, एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूअसली इस पे लग रहा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की ओर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी स्टेप पे वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी मेरा जीरो होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर है? जैसा कि इस एग्जांपल से क्लियर है, वेलोसिटी वहां पे स्पीड तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन तब भी लग रहा है, एक्सेलरेशन तब भी लग रहा है, तो मतलब ये मेरा स्टेटमेंट गलत है, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, डी ऑप्शन में क्या बात हो रहा है, सी आपका गलत था। अगर वेलोसिटी जीरो है किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, मान लिया कोई टाइम इंटरवल मान लेते हैं टी इक्वल्स टू 3 से टी इक्वल्स टू 10, मतलब 7 सेकेंड के पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है ना, इस इंस्टेंट में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी मेरा जीरो है, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो है स्टूडेंट, इस पूरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इस पीरियड में नहीं चल रहा है, वेलोसिटी जीरो मतलब उसका स्पीड जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो, बॉडी रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में है तो जाहिर सा बात है द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही हुआ, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब इस टाइम इंटरवल में मेरा वेलोसिटी जीरो है और मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन तो चले फिक्स है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी में जब चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा ऑलवेज, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना, अगर एक्सेलरेशन का थोड़ा भी वैल्यू हो जाता किसी भी इंस्टेंट पर इस टाइम इंटरवल में तो वेलोसिटी मेरा जीरो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, तो आप ऐसे समझिए कि वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट में मतलब एक्सेलरेशन जीरो, या फिर वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो रहे, जीरो रहेगा हर एक इंस्टेंट पे, तो मेरा ऑप्शन डी भी करेक्ट हुआ। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, ए बी एंड डी, क्लियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ, थैंक यू।